हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए प्रयोगात्मक भूगोल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और कुछ बच्चों को ये बहुत ही डिफिकल्ट लगता है टॉपिक, मानचित्र प्रक्षेप, जिसे मैप प्रोजेक्शन कहते हैं, उसको बहुत सिंपल तरीके से कैसे हम समझ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी आज, ठीक है। तो मानचित्र प्रक्षेप, मैप प्रोजेक्शन होता क्या है, देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, मैप प्रोजेक्शन। मैप मीन्स मानचित्र, मीन्स मानचित्र को प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्ट करना, मानचित्र को दिखाना। तो मानचित्र को किस प्रकार से समतल कागज पर प्रदर्शित किया जाता है, या मानचित्र को समतल कागज पर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है, ठीक है। इतना आपको लग गया पता है, इसके नाम से मैं चल रहा है मैं प्रोजेक्शन। अब मैं इसका शाब्दिक अर्थ भी आपको करके बता रही हूँ कि प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ है कि किसी पारदर्शी कागज या फिल्म पर अंकित चित्र को प्रकाश की सहायता से दीवार या कपड़े पर दिखाना क्या कहलाता है, मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है, ठीक है। तो प्रक्षेप, सिंपल प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार से हम फिल्म देखते हैं सिनेमा घरों के अंदर, वो क्या है, एक फिल्म को समतल पर्दे के ऊपर दिखाया जाता है, किसकी सहायता से, प्रक्षेप की सहायता से, प्रोजेक्टर की सहायता से, तो वो क्या कहलाती है, फिल्म कहलाती है। तो उसी प्रकार से उसको प्रोजेक्टर की सहायता से दिखाना, प्रोजेक्शन होना, उसका दिखना क्या कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है। और जब हम मानचित्रों को प्रक्षेप के माध्यम से दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। अब मैं कुछ इसका एग्जाम्पल भी बता रही हूँ जो मैंने अभी भी आपको बोला। फॉर एग्जाम्पल, सिनेमा में फिल्म के चित्र का एक प्रक्षेप है जिसे प्रोजेक्टर की सहायता से पर्दे पर दिखाया जाता है, ठीक है। सेम सिनेमा में क्या करते हैं कि फिल्म के जो चित्र होते हैं उनको क्या करते हैं, वो एक प्रक्षेप है और उनको प्रोजेक्टर की सहायता से हम दिखाते हैं। आजकल प्रोजेक्टर का प्रयोग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, आप लैपटॉप्स में भी देखते हैं कि लैपटॉप्स में हम कोई चीज़ बनाते हैं, प्रोजेक्टर लगा करके उसको प्लेन समतल दीवार पर या किसी बोर्ड पर हम दिखाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोजेक्टर। तो जिस प्रकार से एक, अब साधारण शब्दों में बता रही हूँ कि मानचित्र को हमने, मानचित्र के अलग अलग हिस्सों को जब हमने दिखाना है समतल पृष्ठ के ऊपर, समतल कागज के ऊपर, तो वो कहलाता है मानचित्र प्रक्षेप, ठीक है। अब इसकी कुछ डेफिनेशनें हैं, क्या इनकी वो है, डेफिनेशन है, उसके बारे में कर लेते हैं डिस्कस, कौन कौन सी डेफिनेशन आ सकती है इसमें। अ मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेप, इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस एज अ नेट ऑफ ग्रेटिकुल ऑन अ प्लेन सरफेस। हाँ जी, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अ मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेप क्या है, मानचित्र प्रक्षेप फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्लोब है। प्रोजेक्शन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ पैरेलल्स, पैरेलल्स की कहते हैं, पैरेलल्स बोलते हैं ये वाली रेखाएं जिन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो इस प्रकार से पैरेलल्स रेखाओं को, जो मानचित्र जो पृथ्वी के ऊपर जो होती हैं, उन रेखाओं को, और मेरिडियंस, मेरिडियंस किन्हें बोलते हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस, ठीक है। उन लॉन्गिट्यूड्स को, उन लॉन्गिट्यूड्स का एक जाल, एज अ नेट और ग्रेटिकुल ऑन अ प्लेन सरफेस, ठीक है। तो मानचित्र प्रक्षेप क्या है, इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ पैरेलल एंड मेरिडियंस, पैरेलल्स का और मेरिडियंस का एक ऐसा जाल है, इज ए नेट ऑफ ग्रेटिकुल ऑन अ प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठ के ऊपर, ठीक है। हिंदी में प्रक्षेप की क्या परिभाषा हो सकती है वो देख लेते हैं। मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व दिशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की विधि है, ठीक है। तो मानचित्र प्रक्षेप क्या है कि ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो ये जाल है, इसको समतल पृष्ठ के ऊपर दिखाने की विधि क्या कहलाती है, मानचित्र प्रक्षेप कहलाती है। मानचित्र प्रक्षेपों को और भी अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, वो कौन कौन से नाम है जो आपको पेपर में भी पूछ सकते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं ग्रेटिकुल बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, नेट बोलते हैं, और मैश बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग वर्ड्स हैं जिनके लिए मानचित्र प्रक्षेपों का उपयोग किया जाता है। अब इन्हीं वर्ड से जो हमने ऊपर भी यूज किए हैं, उन्हीं वर्ड से निकल करके वर्ड जो आया है ग्रेटिकुल, तो आपको ये भी पूछा जाता है कि ग्रेटिकुल किसे कहते हैं। तो ग्रेटिकुल की परिभाषा है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ड्रॉन ऑन अ प्लेन सरफेस, ठीक है। तो ग्रेटिकुल किसे बोलेंगे, ग्रेटिकुल बोलेंगे अ नेटवर्क, एक नेटवर्क है किसका, पैरेलल्स और मेरिडियंस का, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को जब समतल पृष्ठ के ऊपर दिखाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिकुल बोलते हैं।
इसी से एक और प्रश्न निकल करके आता है कि आपको बड़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गोर और जोन किसे कहते हैं, ठीक है, गोर और जोन। तो गोर किसे बोलते हैं? द एरिया बिटवीन टू सक्सेसिव मेरिडियंस, ठीक है, ऑन अ मैप इज नोन एज गोर। इसके लिए मैंने एक ऊपर मानचित्र बनाया है कि दो मेरिडियंस के बीच में, दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो ये क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र है, दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो एक क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? ये गोर कहलाता है, ठीक है। और जोन किसे कहते हैं? द एरिया बिटवीन टू सक्सेसिव पैरेलल्स, जो ये पैरेलल्स हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों जो पैरेलल्स हैं, इनके दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन कहते हैं, ठीक है। तो गोर और जोन में आपको अंतर पता चल गया। और ग्रेटिकुल और नेट, जो हमें बोलते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रेटिकुल और नेट कहते हैं, ठीक है, जो आपने ऊपर भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रक्षेप के बारे में। तो प्रक्षेप किसे कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का के जाल को पृथ्वी के जब किसी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र के किसी भाग को जब हम समतल पृष्ठ के ऊपर प्रदर्शित करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं, ठीक है। अब हमें मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको पूछा जा सकता है, नीड क्या है इसकी, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी को सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित, जिसमें पृथ्वी का पूरा रूप प्रदर्शित होता है, हर क्षेत्र दिखाया जा सकता है, तो वो होती है ग्लोब, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की आकृति जो है वो इलिप्सॉइड है, ठीक है ना, अंडाकार रूप में है, ठीक है। तो उस अंडाकार रूप को जब हम समतल पृष्ठ पर प्रदर्शित करते हैं तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? मानचित्रों का सहारा लेना पड़ता है। और मानचित्रों को पृथ्वी का अलग अलग क्षेत्र के जो मानचित्र हैं उनको बनाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार के मानचित्र प्रक्षेपों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हमें पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र, जो ये क्षेत्र है, ये शंकुआकार क्षेत्र है, ये पैरेलल क्षेत्र है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र को दिखाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के मानचित्र प्रक्षेपों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पृथ्वी की आकृति एक चपटे दीर्घ वृत्तज और ओब्लेट इलिप्सॉइड के समान है। तो जो पृथ्वी की आकृति है वो ओब्लेट इलिप्सॉइड के समान है, इस प्रकार से है, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए, तो पृथ्वी की इस गोलाकार आकृति को केवल ग्लोब के द्वारा ही सही देखा जा सकता है, परंतु ग्लोब को प्रयोग जो है वो हम हर समय नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोब को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए उस डिफिकल्टी से बचने के लिए, उस कठिनता से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र हैं उनको समतल कागज के ऊपर मानचित्र प्रक्षेपों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा कि ग्लोब पर पृथ्वी के समस्त भाग को एक दृष्टि में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ग्लोब राउंड शेप होती तो एक ही भाग हम देख सकते हैं। तो इसीलिए ग्लोब पर दो स्थानों की दूरी मापना भी कठिन होता है, जो मानचित्र के ऊपर आसान होता है। तो इसीलिए पृथ्वी की रचना के लिए ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो समतल सतह पर जो जाल बनता है उसे उस जाल को बनाने के लिए, उस जाल को दिखाने के लिए प्रक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि पृथ्वी की रचना के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बनता है और उस जाल को समतल सतह पर दिखाने के लिए ही प्रक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब पृथ्वी जो है, देखिए क्वेश्चन ये होता है, पृथ्वी जो है वो कहीं पर क्या है? देखिए, अगर आप यहाँ पर इस क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर क्या है? ये एक सिलेंडर की भांति है, ठीक है, बेलनाकार है। यहाँ पर देखें तो एक शंकु की भांति है, ठीक है। तो पृथ्वी की आकृति जो है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की, कहीं पर ये फैली हुई है, कहीं पर ये सिकुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रक्षेपों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स, कितने प्रकार के प्रक्षेप होते हैं। तो जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि प्रक्षेपों को लाइट की सहायता से समतल पृष्ठ पर दिखाया जाता है, कई बार हम ज्यामिति विधि से दिखाते हैं, गणित के द्वारा दिखाते हैं। तो मुख्य रूप से प्रक्षेपों को दिखाने के लिए कितने प्रकार के प्रक्षेप जो है वो होते हैं। सबसे पहला प्रकार है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो रचना की विधि के अनुसार जो है वो प्रक्षेप अलग प्रकार के होते हैं। पर्पस के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें किस उद्देश्य के लिए मानचित्र बनाना है, तो उस उद्देश्य के अनुसार प्रक्षेप अलग प्रकार के बनते हैं। और यूज ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रयोग के द्वारा, ठीक है। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि प्रकाश की सहायता से किसी पर्दे पर हम क्या करते हैं, प्रक्षेप को या किसी फिल्म को दिखाते हैं। तो जब लाइट की सहायता से प्रक्षेपों को बनाए जाते हैं तो वो अलग अलग प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से प्रक्षेपों के तीन प्रकार के मेथड्स के द्वारा प्रक्षेपों को बनाया जाता है। पहला मेथड है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, दूसरा है पर्पस के अनुसार, और तीसरा है यूज ऑफ लाइट के अनुसार।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के अनुसार किस प्रकार के प्रक्षेप बनते हैं। तो रचना विधि के अनुसार सिलिंड्रिकल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बेलनाकार प्रक्षेप बनते हैं। दूसरा है कॉनिकल प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं शंक्वाकार या शंकु के आकार की प्रक्षेप। और तीसरा है जेनिथल, जिसको हम बोलते हैं घमध्य प्रक्षेप। और चौथा है कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल को बोलते हैं हम रूढ़ाकार प्रक्षेप। ठीक है, तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन के आधार पर अलग अलग प्रकार के प्रक्षेप हैं। सबसे पहले मैं आपको जनरल से बता देती हूँ कि सिलिंड्रिकल प्रक्षेप, सिलिंड्रिकल प्रक्षेप वो प्रक्षेप है जो पृथ्वी के ये वाला क्षेत्र जो है, इक्वेटोरियल क्षेत्र जो है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, क्योंकि ये भी सिलेंडर की भांति है, इस क्षेत्र को दर्शाने के लिए सिलिंड्रिकल प्रक्षेपों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कॉनिकल प्रक्षेप, कॉनिकल प्रक्षेप जो सिलिंड्रिकल के ऊपर का जो क्षेत्र है, ये ऊपर जो हमारा पोलर एरिया है, पोलर एरिया की जो नीचे का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये वाला जो क्षेत्र है सिलिंड्रिकल प्रक्षेप बनते हैं। और इसके ऊपर जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, पोलर एरिया के नीचे वाला जो क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों पे किस प्रकार के प्रक्षेप, कौन से प्रक्षेप बनते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए, कॉनिकल प्रक्षेप या शंक्वाकार प्रक्षेप। उसके बाद आगे जेनिथल, ठीक है, जेनिथल प्रक्षेप बनते हैं ये वाले क्षेत्र, जो हमारा ध्रुवीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से किनका प्रयोग होता है, जेनिथल प्रक्षेपों का प्रयोग होता है। उसके बाद जो चौथा है कन्वेक्शनल या रूढ़ाकार प्रक्षेप, ये वो प्रक्षेप है जिसमें गणितीय नियमों का पालन किया जाता है, गणितीय कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से की जाती है कि जो गणितीय नियम है उसके आधार पर इन प्रक्षेपों को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आगे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर। दूसरा है पर्पस के अनुसार, पर्पस में सबसे पहले है इक्वल एरिया। ठीक है, जब हमें किसी क्षेत्र का बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल एरिया, जो क्षेत्र ग्लोब के ऊपर है सेम वही क्षेत्र, उतना ही एरिया हमें सेम टू सेम जब हमें मानचित्र पर प्रदर्शित करना होता है, तो हम इक्वल एरिया प्रोजेक्शन को बनाते हैं। ठीक है, जिसमें आकृति को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की जाती, सेम उसी आकृति को उसी हिसाब से वहां पर दर्शाया जाता है। दूसरा है ट्रू शेप, जब किसी क्षेत्र की शेप या आकृति को सेम उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ग्लोब पर वो दर्शाई गई है, उसी प्रकार की आकृति को हमने समतल पृष्ठ पर दिखाना है, तो हम इस प्रक्षेप को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रू शेप और ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, ट्रू शेप और ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। थर्ड है ट्रू स्केल, जो स्केल ग्लोब के ऊपर यूज की गई है, वही सेम स्केल का प्रयोग करके जब हम मानचित्र के ऊपर दर्शाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम ट्रू स्केल प्रोजेक्शन। ठीक है, और चौथी है ट्रू डायरेक्शन, ट्रू डायरेक्शन और एजीमुथल प्रोजेक्शन। ठीक है, इसके दो नाम है, ट्रू डायरेक्शन और एजीमुथल प्रोजेक्शन। ये वो प्रोजेक्शन है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब सेम वही दिशा, जैसे यहाँ पर नॉर्थ इस क्षेत्र में है, तो हमने उसी क्षेत्र के नॉर्थ को जब हमने समतल पृष्ठ के ऊपर भी दिखाना है, सेम वही डायरेक्शन रखनी है, तब हम इस प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एजीमुथल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से उद्देश्य के अनुसार चार प्रकार के प्रक्षेप हैं, इक्वल एरिया, ट्रू शेप, ट्रू स्केल और ट्रू डायरेक्शन। ठीक है, अब थर्ड प्रकार है, लास्ट है, यूज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के प्रयोग के अनुसार दो प्रकार की प्रोजेक्शंस हैं, एक होती है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और एक होती है नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस कौन सी होती है, इन प्रक्षेपों में अक्षांश वृत्तों पर किसी निश्चित बिंदु से, अक्षांश वृत्तों के ऊपर, ठीक है, जो हमारे अक्षांश वृत्त हैं, ये लैटिट्यूड हैं, इन पर किसी निश्चित बिंदु से प्रकाश डालकर उनकी छाया को समतल पृष्ठ पर स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। मींस कि हमारी पृथ्वी का जो क्षेत्र है जहां पर अक्षांश वृत्त है, उनके ऊपर ही, उनको दर्शाने के लिए उन पर लाइट डाल करके, ठीक है, समतल पृष्ठ पर, यहाँ पर समतल पृष्ठ पर, यहाँ पर लाइट डाली यहाँ से प्रोजेक्शन से, तो यहाँ पर इस इन इन अक्षांशों को समतल पृष्ठ के ऊपर जब दर्शाया जाता है, तो उसे कहते हैं हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कौन सी होती है, इनमें गणितीय विधियों के द्वारा आवश्यक संशोधन करके प्रक्षेप जो हम बनाते हैं, तो गणितीय विधियों का प्रयोग करके एग्जैक्टली पृथ्वी की जो लेंथ ब्रेड्थ उसको देख करके, जब हम प्रयोग करके जब हम समतल पृष्ठ के ऊपर पृथ्वी के क्षेत्रों को दर्शाते हैं, तो वो कहलाती है कौन सी, नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आई होप ये एक मैंने आपको आउटलाइन दी है किसी प्रोजेक्शन के बारे में, कि प्रक्षेप होते क्या हैं और कितने प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, ठीक है, और उनको किस किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पृथ्वी के किन किन क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैं दोबारा से लास्ट में दोबारा से बता रही हूँ, प्रक्षेप किसे कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को जब समतल पृष्ठ के ऊपर दर्शाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। तो कोई और आपको क्वेरी हो, कोई और वीडियोस आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताएं। टिल देन गुड बाय।